तो इस वक्त असि पिपली थाना सदर थाने सर दे बाहर खड़े हाँ, तो जिते तजिंदर पाल बग्गा बीजेपी लीडर जिसनों गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस लैके आ रही थी, पर पंजाब पुलिस का जिहड़ा काफिला है उसनों रोक दिता गया हरियाणा पुलिस के वलों। तो पिपली तो 5 किलोमीटर अगे चंडीगढ़ के पासे नूं काफिला जिहड़ा है रोक दिता गया सी, ते हुण अल्टीमेटली हरियाणा पुलिस जिहड़ी है उह तमाम जिहड़ा पंजाब पुलिस के कर्मचारी ने ते तजिंदर पाल बग्गा जिहड़ा है उसनों इत्थे थाना सदर थाने सर जिहड़ा पिपली दे विच है उत्थे लैके आए ने। ते असी इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हाँ, तो तजिंदर पाल बग्गा के सपोर्टर जिहड़े ने ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹਨੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਜੀ ਕੋ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ अभी 2020 के अंदर एक कानून में संशोधन किया गया था, वो कानून क्या था कि दिल्ली पुलिस की अनुमति के बिना वहाँ के लोकल बाशिंदे को या वहाँ लोकल रहने वाले को किसी भी अदर स्टेट की पुलिस गिरफ्तार करके बिना दिल्ली पुलिस की इजाज़त के नहीं लेकर के जा सकती है। अगर पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस का कहना है कि हम लोगों ने 5-5 नोटिस दिए, अगर उन्होंने एक नोटिस भी भेजा तो क्या दिल्ली पुलिस के संज्ञान में नहीं गया हुआ? आज दिल्ली पुलिस को पंजाब पुलिस के खिलाफ तेजिंदर बग्गा जी किडनेपिंग का केस दर्ज करना पड़ रहा है, तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। और दूसरी बात है केजरीवाल जी की और भगवंत मान जी की प्रो पाकिस्तान की जो सोच है वो आज जग जाहिर हुई है। जी अब अल्टीमेटली देखो, तजिंदर पाल बग्गा तो पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है, बेशक यहाँ थाना सदर में है ना, आप लोग क्या करेंगे अब आगे? क्योंकि हो सकता है कि पंजाब पुलिस अपने सारा जो है दिखा दे, प्रूफ कर दे कि हमने तो प्रोसेस पूरा फॉलो किया, हम तो लेके जाएंगे। देखिए, अगर पंजाब पुलिस प्रूफ कर चुकी होती तो हरियाणा पुलिस को मामले में संज्ञान लेकर के यहाँ पे कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। दूसरा, दिल्ली पुलिस कोई झूठी कार्रवाई तो नहीं करेगी? दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर किडनैपिंग का केस दायर किया और अभी एक वीडियो मैं नेशनल मीडिया के माध्यम से अपने फोन में देख रहा था कि किस तरह धक्का मुक्की करके अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, सलीके से किया जाता है, हथकड़ी डाल के किया जाता है, ना कि उसके परिवार वालों के साथ मारपिटाई की जाती है। कि बग्गा जी के परिवार के साथ जिस तरह से हाथापाई करी है, ये केजरीवाल की मंशा थी कि उनको किस तरह से घसीटते हुए लेकर के जाना है। इस उनकी इस मंशा पे आज हरियाणा पुलिस ने पानी फेरने का काम किया और मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने संज्ञान में इस मामले को संज्ञान में लेकर के तुरंत कार्रवाई की और ये तेजिंदर बग्गा जी के साथ बड़ा हादसा होने से टल गया। क्योंकि जिस प्रकार से वो वहां से खींच करके लेकर के आए हैं और पंजाब पुलिस वहां जाकर के क्या नहीं करती, कौन जिम्मेवार होता है उस चीज का, तो इस चीज के लिए हम हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं, हरियाणा पुलिस का धन्यवाद करते हैं। पंजाब पुलिस तो कह रही है हमने सारे गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी की है, अगर कहीं कोई डाउट है किसी को वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो नेशनल चैनल झूठे हैं क्या? वीडियोग्राफी तो उनकी तरफ से भी हो रही थी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस के संज्ञान में किसी भी तरीके कोई नोटिस नहीं गया, ना ही दिल्ली पुलिस को विश्वास में लेकर के कार्रवाई हुई है। सीधा सुबह 5 बजे जाकर घर पे हमला बोला गया है और उनको वहां से उठाने की कोशिश की गई है जी, और ये सीधा सीधा किडनैपिंग का केस बनता है जी। फिलहाल भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता ने जिहड़े तजिंदर पाल बग्गा की सपोर्ट के विच इत्थे पिपली थाना सदर थाने सर के बाहर पहुंचे ने, कह रहे हैं कि यह इलीगल जिहड़ा अरेस्ट होया है तजिंदर पाल बग्गा का। फिलहाल ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जिहड़ी है बन गई है, 2 स्टेट्स की पुलिस जिहड़ी है, 3 स्टेट्स की पुलिस के विचकार जिहड़ा है ये टसल जिहड़ी है डिवेलप हो गई है।